हमारी एक अपनी फैन फॉलोइंग है जी, काफी फैन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं सारे। मुझे कभी कोई कुछ आके बुरा कहते मुझे अपने आप को डिफेंड ही नहीं करता पड़ता क्योंकि बाकी आ जाते हैं। तो ज्यादातर लोग किस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं? लोगों को कोई बात नहीं चाहिए क्रिटिसाइज करने के लिए। कल को मैं सर पे दुपट्टा लेके बैठ जाऊँ वो फिर भी बोलेंगे। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं सारे, आपकी पूरी काम में आपकी इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस हैं और बहुत सी फ्रस्ट्रेशंस हैं, इतना कुछ करने को नहीं है, करने को तो बहुत है लेकिन बस अब ज़माना ही हुई है स्क्रीन के पीछे बैठ के बस कहते रहो कहते रहो कहते रहो। तो सोशल मीडिया के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं? एज फार एज काम का वो है, बहुत फ़ायदा है आपको, काम ही आपके सोशल मीडिया से मिलता है। बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं मेरे सोशल मीडिया पे, रैंडम लोग। नुकसानात बहुत ज़्यादा विद कॉल आउट कल्चर और कैंसिल कल्चर और कोई किसी को छोड़ता नहीं है अब, देयर नो रूम्स फॉर मिस्टेक्स। बिल्कुल। सो मैं कहती हूँ गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं कभी कभी बहुत गलत बातें कह जाती हूँ, बट यू हैव टू ओन अप टू देम। एक सॉरी बहुत आसान है, फिर यू नो नॉट टू डू दैट अगेन, मुश्किल काम नहीं होता। अगर मेरी गलतियाँ हैं सही, बस अपोलोजाइज फॉर इट एंड डोंट डू इट अगेन। अच्छा, सड़कों पे हरास कैसे होता है अब आजकल के बच्चों के साथ, क्या हो रहा है? बिकॉज अब हमारे तो ये एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया। सबको पता है किस तरह होता है लाइक अभी तक। सही बात है, अभी तक चलता रहेगा। किस तरह हरास होता है मैं बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ मेरे हाथ मारा हुआ है? मैं बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, आई डोंट थिंक मैं इस शो पे बोल सकती हूँ कहाँ कहाँ हाथ मारा हुआ है, क्या क्या पकड़ा हुआ है। एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू इट देन? डू यू फाइट ऑन द स्ट्रीट? अब मैं लड़ती हूँ, पहले मैं फ्रीज हो जाती थी क्योंकि आपको समझ ही नहीं होता ना क्या क्या, क्या हुआ है, एकदम से होता है। आधे से ज़्यादा वक्त क्राउड में तो पता भी नहीं चलता किसने किया है, क्राउड ना हो तो पता चल जाता है। अब मैं बोल देती हूँ। एक ट्वीट थी आपकी कि एवरी टाइम आई स्टॉप बाय द पुलिस द ओनली रिस्पॉन्स दे हैव टू माई ड्यूम्यूरल इज, आपको नहीं पता इस टाइम पर किस किस्म की औरतें आ जाती हैं, ये क्या हुआ? बहुत दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा नहीं हुआ, इस दफ़ा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था। मैंने कहा अच्छा वही ना सोशल मीडिया पर गुस्सा निकलता है लोगों का। मैं इस तरह निकालती हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स बहुत अजीब होते हैं, सुबह 4 आपको तो पता होगा जी। तो बस जा रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी, सामने गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी, रोका। जब से बाल कटवाए और रोकना शुरू हो गए हैं, लेकिन लंबे बालों के साथ भी ये हुआ है। बस पुलिस रोक के कहती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या मसला है? मैंने कहा काम पे जा रही हूँ। कहते हैं इस टाइम पे कौन सा काम होता है? मैंने कहा मेरा काम होता है। तो कहते हैं ना बैग चेक कराएं। मैंने कहा क्यों, मैंने कुछ गलत किया? मैंने कहा नहीं आप बैग चेक कराएं। मैंने कहा मैंने नहीं कराना। उन्होंने कहा आप कराएं। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे बैग में सारी पर्सनल चीज़ें थी क्योंकि आपको लेके जानी पड़ती हैं फॉर अ शूट। मैंने निकालनी शुरू की, मैंने कहा ये है, ये है, ये है। उन्होंने मुझे देखा, पुलिस ऑफिसर ने, उन्होंने कहा बेटी तहजीब। और मैं बस उस पॉइंट में बस उनको स्माइल करके देखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। आपने खुद मुझे कहा है कि बैग चेक करा और अंदर से मेरी पर्सनल अंडरगारमेंट्स निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं तहजीब। व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? पुलिस को? पुलिस को मैं क्या कहूँ भाई, तो क्या कहूँ मैं उनको कि बस ये एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है ना ये छोड़ दें अननेसेसरली। मिस द टाइम व्हेन माय ओनली वरी इन लाइफ वाज टू समहाउ गेट माय नेम रिमूव्ड फ्रॉम द इस्लो स्लट लिस्ट। ओह माय गॉड, सो कंट्रोवर्शियल टीज पकड़ के निकाली है। ओह तो गॉसिप गर्ल का जमाना था। ओके। बड़े कोई गॉसिप पेजेस बनाए थे लोगों ने, एक होती थी स्लट लिस्ट। अब स्लट जिस अल्फाज लाइक जिस मीनिंग में यूज होता है वो तो पता ही है। उसमें मुझे तो इतना नहीं था, मुझे बस होता था कि
यू नो जानने वाले ना पढ़ ले, फैमिली ना पढ़ अच्छा, ले। अच्छा लिस्ट बकायदा बनी होती थी, बकायदा होती इस्लामाबाद में। मुझे फर्क नहीं पड़ता था खुद से, क्योंकि उसके अंदर हर लड़की होती थी, हर लड़की, वही 50 लड़कियाँ होती थी। मैंने कहा अच्छा छोड़ा किसने तुम लोगों ने, छोड़ा किसको? तो मुझे ये फ़र्क नहीं था कि अच्छा कि मेरा नाम क्यों है इसमें। मुझे था कि यू नो कोई देख लेगा, किसी का भी नहीं होना चाहिए। मम्मी अबू ने देख लिया उनको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भाई को नहीं अच्छा लगेगा। वैसे मैं अभी मैं पढ़ी थी कि गॉसिप गर्ल का रीबूट है, मैं कहती हूँ अल्लाह नहीं प्लीज, ये उसकी वजह से सब कुछ। बस गॉसिप पेजेस जो बने थे लोग उठा के तस्वीरें लगा देते थे। इस्लामाबाद तो बड़ा ठंडा सा शहर है। नहीं, इस्लामाबाद में भी मनहूस किस्म के लोग हैं, हर जगह हैं। अच्छा ओके, अच्छा जी, फिर आपकी एक और थी, यार प्लीज चुप कर जाओ आवाम, हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें पता है क्या चलता है इंडस्ट्री में, हमने खुद देखा है, हमें लोगों ने बताया है, सो प्लीज शट द डैश ऑफ। वी कैन से अलेज्ड बिकॉज वेल हाँ ये क्या, बस हमें मिलती है, हमें सब कुछ पता भी होता है और उसके बावजूद हम चुप रहते हैं, विच इज़ ओके। मैं समझ आती है कि लोग नहीं आना चाहते सामने, एंड इट्स ओके, उनका दैट्स देयर चॉइस, प्रेरोगेटिव है, हाँ उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो लोग आते हैं उनके लिए hats off to them। अच्छा जी, अगर ऑफर एक ही वक्त में हो रही हो, ठीक है, बहुत बड़ी कोई फिल्म बन रही जी है, दो फिल्में बन रही हैं, एक सरमर डायरेक्ट कर रहा है, एक शुएब मंसूर कर रहा है, तो ईमान किसकी फिल्म करेगी? सरमर की, मुझे सोच पता नहीं, मैंने सोचा भी क्यों है, मैं सरमर ओके, सरमर इज मैं बायस होंगी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वो अलग बात है, टैलेंट भी बहुत है। मुझे सरमद से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे वो इतने अच्छे हैं वो, लेकिन प्यार का काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं, नर्चरिंग है, हम काम का प्यार से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं होता, वर्क इज़ वर्क। मैं जो लोग मुझे पसंद है ना, मैं उनके लिए बस दिल खोल के, बस उनके साथ दिल खोल के। फवाद खान या शहरयार मुनव्वर? फवाद खान। क्यों? क्योंकि बस प्यार है, नहीं टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, वेरी गुड, ही इज एन अमेजिंग एक्टर। आई आल्सो लाइक हिज वाइफ अ लॉट, आई वर्क विद हिम, मैंने उनके साथ एक दफा काम किया था। ओके, बस लोग पसंद होने चाहिए ईमान को। मुझे लोग नहीं, मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी काम करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। माहिरा और महविश? मुश्किल है ये थोड़ा। ओके, आई थिंक महविश के साथ। क्यों पता नहीं, लेकिन महविश ठीक है। शाहरुख खान और शान? नान, टू ओल्ड फॉर यू? नो, हाँ शान तो आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ, ओके बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खमाज hands down one of my favorite videos ever, but I think credit goes to the director Shan ne bhi, Shan bahut he came out really nice. Shahrukh Khan was I think kyunki wo ek hi jagah phasa hua hai, but he's a star yeah, uski Ashoka meri dil se favorite movies hain. I know, वैसे मैं नहीं, दोनों में से नहीं करूंगी, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो कर लूंगी, दोनों के साथ कर लूंगी, अगर स्क्रिप्ट ना अच्छी, लेकिन दोनों में से अगर चूज एक ही टाइम पे करना पड़ा, ये जिस सवाल इसलिए मैं इंटरव्यूज नहीं देती, इसलिए दो जवाब, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मॉडलिंग और एक्टिंग? अब एक्टिंग ओके। अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी तो तुम करोगी नहीं अब? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बुरी हूँ मैं, शुक्र करें आप सारे। अच्छा जी, कोई ऐसा मैसेज जो अपने ट्रोल्स को देना चाहती हो? कि बस थोड़े एम्पैथेटिक हो जाओ, थोड़े काइंड हो जाओ, नरम दिल हो जाओ, बस बात करनी है मेरे से ज़रूर करो, बस आराम से करो। ओके, बस औरतों के सिगरेट पीने के बारे में तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं?
सिगरेट मैं और तो नहीं, मैं कहती हूँ कोई सिगरेट ना पिए सेहत की वजह से, सेहत की वजह से। लेकिन मुझे ये नहीं होता कि औरत पी रही है भाई, मैं सिगरेट पीती थी okay. अभी भी कभी कभी पी लेती हूँ, मैं पीती बड़ी मुश्किलों से मैंने छोड़ी है। जूल लिया था, पैसे ही ना फेंकिएगा प्लीज़ अपने उस पर। तो मैं किस मुंह से क्या कहूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि आदमी पिए तो उसकी सेहत की खराबी, औरत पिए तो उसका कैरेक्टर खराब है। बिल्कुल, और इतनी हमारे शोबिस की औरतों की तस्वीरें लगा देते हैं जो वो प्राइवेसी में अपने सिगरेट अगर पी भी रही हैं और फिर उस पर इतनी बातें, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। बड़े बड़े मज़े की बात है ना, किसी ने मुझे याद नहीं है कि कौन था, स्मोकिंग डैमेजेस मेल लंग्स एंड फीमेल कैरेक्टर। एग्जैक्टली।